हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेक करियर अकेडमी माय नेम इज़ नेसी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एग्जाम ठीक है एसएससी एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दैट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक है आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और इसको आपने वन वर्ड में आंसर देना है एंड द वर्ड्स आर अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लान्टैट इज़ ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली मतलब कि सर्जरी के थ्रू कोई बोन या कोई टिश्यू दूसरे बॉडी पार्ट पर ट्रांसप्लांट किया जाता है ठीक है तो इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे यानी कि इस टाइप के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है तो सबसे पहले इसमें जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं दीज आर ग्रेटिस गॉर्मेट ग्रेशियस एंड ग्राफ्ट अब सबसे पहले हमें इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए जो पहला वर्ड है इसका मतलब है दैट इज़ ग्रेटेस्ट इसका मतलब होता है डन फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है मतलब कि फ्री में या बिना कोई पैसे लिए कोई काम होना ठीक है दूसरा है गौरमेंट गमेंट होता है एक ऐसा पर्सन जिसे खाना बहुत पसंद है वो खाने के लिए खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानता है दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ गर्मेंट देन इज ग्रेशियस ग्रेशियस नाम ये बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी काइंड एंड पोलाइट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्राफ्ट अब ग्राफ्ट इज़ द राइट आंसर ठीक है क्योंकि ग्रेटस्ट नहीं है गॉर्मेंट नहीं है ग्रेशियस नहीं है सो द राइट आंसर इज ग्राफ्ट यानी कि इट इज़ अ सर्जरी जिसमें कोई बॉडी कोई बोन या कोई टिश्यू दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस यानी कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो पैसिव फॉर्म में है और पैसिव से हमने एक्टिव में चेंज करना है ठीक है जब भी एक्टिव पैसिव का सेंटेंस आता है पूरा थॉरली रीड करने के बजाय आपने क्या करना है सीधा उस सेंटेंस के वर्ब के पार्ट पर जाना है हमारे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है विल बी डिलीवर्ड फुल जो कंप्लीट सेंटेंस है दैट इज द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे ठीक है अब कैसे चेंज करते हैं वो आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज करते हैं अब यहाँ पर हमें पैसिव वर्ब दी हुई है दैट इज विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है अब इसकी एक्टिव वर्ब क्या होती है इसकी एक्टिव वर्ब होती है विल या शल ठीक है एनी मॉडल विल बी यूज ठीक है शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है विल या शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी यानी कि जो राइट right आंसर होगा उसमें क्या होगा विल डिलीवर राइट आंसर क्या होगा विल डिलीवर अब ऑप्शन पर जाइए और सभी की वर्ब चेक कीजिए विल बी डिलीवरिंग रॉन्ग विल डिलीवर क्योंकि मैंने आंसर पहले ही बता दिया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विल डिलीवर सो अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेक करने से पहले सभी में देख लेते हैं कि क्या फिर किसी और सेंटेंस में करेक्ट वर्ब दी हुई है वुड बी डिलीवरिंग ये भी गलत है वुड डिलीवर ये भी गलत है तो राइट आंसर विल बी विल डिलीवर सो सेकेंड आंसर विल बी राइट आप कैसे चेंज किया जो ऑब्जेक्ट था द शॉप उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे ठीक है चलें अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ हाईलाइटेड अंडरलाइंड वर्ड अब हमने एंटोनिम देखना है सिनोनिम होता है जिसका सिमिलर मीनिंग होता है और एंटोनिम होता है जो कि ऑपोजिट मीनिंग होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए फेलियर टू कैरी होल टिकट टू द एग्ज़ाम इज कंसीडर्ड एज ए ट्रिवियल इशू ट्रिवियल अब यहाँ देखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में अपनी होल टिकट को लेकर जाना एक ट्रिवियल ट्रिवियल होता है कोई मामूली सा इशू ठीक है यानी कि बहुत सीरियस ना हो ठीक है मामूली सा इशू है तो यहाँ पर अब इसके ऑप्शन में देखिए कि ट्रिवियल का ऑपोजिट कोई मामूली सा इशू पर जो मामूली नहीं है जो क्या है सीरियस है हमें बहुत इजी ऑप्शन है दैट इज सीरियस सीरियस इज द राइट आंसर क्योंकि ट्रिवियल हो गया मामूली सा बट नॉट सो सीरियस ट्रिवियल हो गया नॉट सो सीरियस और सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा सीरियस सो द राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ठीक है अब इसमें तो देखिए बहुत इजी ऑप्शन ईच इज़ राइट पाई इज़ राइट स्लीक इज राइट बट पियर्सिंग रॉन्ग है क्यों क्योंकि पियर्सिंग के स्पेलिंग हो जाएंगे पी आई ई आर सी आई एन जी पियर्सिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आपको फिल uh, फिलअप के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस अगर आप कुछ रोज करते हैं कुछ रोज करने की कोशिश करते हैं तो आप जल्द ही सक्सेस पा लेंगे सो यू मेक इट सक्सेस सो द राइट ऑप्शन विल बी मेक नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम अब सिनोनिम सिलेक्ट करना है सिनोनी मतलब सिमिलर सिमिलर मीनिंग वाला जिसका मीनिंग सेम हो अब यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट मतलब ही इज कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग दैट मतलब वो उसको करने के काबिल है ठीक है अब यानी कि कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया काबिल अब इस इन ऑप्शन में से हमें देखना है कि किस ऑप्शन का मीनिंग कॉम्पिटेंट या काबिल है कॉम्प्लेक्स इज नॉट पुअर नॉट कैपेबल इज द राइट आंसर क्योंकि कैपेबल और कॉम्पिटेंट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट ही इज कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग दैट दोनों ठीक हैं और बिगिनर तो नहीं हो सकता ठीक है तो राइट ऑप्शन इज थर्ड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन यहाँ पर भी आपको सिनोनिम चूज करना है सिनोनिम एनाउंस एनाउंस किसी चीज की अनाउंसमेंट करना इन अ पॉजिटिव सेंस डिनाउंस हो गया नेगेटिव सेंस में कोई चीज बताना सीक्रेट मतलब अनाउंस नहीं कर रहे उसको अपने तक ही छुपा कर रख रहे हैं हाइड भी छुपाना हो गया अनाउंस और एडवर्टाइज दोनों क्या है सिनोनिम्स हैं अनाउंस एंड एडवर्टाइज आर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम नाउ अब हमारे पास है ईडियम ईडियम हमारा पहला ईडियम है इन व्हील एंड वो इन व्हील एंड वो व्हील एंड वो का मतलब होता है ऑपोजिट फीलिंग ठीक है ऑपोजिट के लिए खुशी और गम खुशी और गम बताने के लिए अब आप इन ऑप्शंस पर चाहते हैं पहला ऑप्शन है इन सैड एंड ग्लूमी डे सैड और ग्लूमी का मतलब सेम होता है दोनों उदास हैं हैप्पीनेस एंड गुड टाइम दोनों पॉजिटिव हैं फोर्थ ऑप्शन डेस्पेयर एंड फेलियर ये भी नहीं है हमारा राइट right ऑप्शन है थर्ड दैट इज प्रोस्पैरिटी एंड एडवर्सिटी ठीक है क्योंकि बाकी ऑप्शन में सिमिलर हैं सैड और ब्लूमी सेम है हैप्पीनेस और गुड टाइम सेम है डेस्पियर और फेलियर सेम है, है यहाँ पर प्रोस्पैरिटी प्रोस्पैरिटी प्लस पॉइंट हो गया और एडवर्सिटी नेगेटिव पॉइंट हो गया ठीक है तो यहाँ पर व्हील एंड वो का मतलब है ऑपोजिट इमोशन हैप्पीनेस और अगर यहाँ सैड के साथ हैप्पी दिया होता दैट विल बी वुड बी राइट right. ठीक right है पर राइट ऑप्शन है प्रोस्पैरिटी एंड एडवर्सिटी नेक्स्ट ईडियम इज अ ग्रीन होन अ ग्रीन होन ग्रीन होन का मतलब होता है सॉरी ग्रीन होन इसके ऑप्शन देखते हैं अनएजुकेटेड पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन क्लेवर पर्सन एंड स्किल्ड पर्सन इसका राइट right ऑप्शन है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि ग्रीन होर्ब्स जो ईडियम uh, है वो यूज होता है फॉर बिगिनर किसी ने कोई काम नया सीखना शुरू किया ठीक है सो so, बिगिनर e के लिए या फिर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए ग्रीन हॉर्न यूज़ होगा एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंस Segment in the following sentence. Rajan is having three brothers and three sisters. ab yahan par Rajan is having. Having अब मैंने जब uh, has और have जो है possession के लिए use होता है, ठीक है has और have possession के लिए use होता है और ये एक stative verb है. Stative verb जब अपनी real meaning में आएगी ठीक है हमने पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब जो है जब रियल मीनिंग में आएगी यानी कि अपनी पोजिशन बताएगी तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि हैज़ या हैव में है यूज है होगी वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकती जब हैविंग का मतलब कि डिनर करना खाना खाना या कोई पानी पीना आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर आई एम हैविंग डिनर उस तरह से होगा तब वो आईएनजी फॉर्म लेगी अदरवाइज़ अगर पोजेशन बतानी है इस सेंटेंस में पोजेशन बताई गई है कि राजन की तीन भाई और तीन बहनें हैं यहाँ पर पोजेशन बताई गई है तब हैज़ हैव क्या है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा राजन क्या है सिंगुलर है सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है ठीक है सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा तो यहाँ पर हैज़ बिन हैविंग नहीं आएगा क्योंकि हैविंग हमने पोजेशन के लिए आई एन जी उसके साथ ऐड नहीं करना है राजन हैज़ राजन हैज़ यहाँ पर पोजेशन के लिए हैज़ आया तो दिस इज द राइट ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है सो वी हैव डिस्कस टेन क्वेश्चन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो लाइक share and subscribe to our channel Think, thank you